अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाय मेरी कमर। आह पारो पारो इधर आ बेटा। हाँ बड़ी दादी क्या हुआ? अरे बेटा नीचे एल्बम गिर गए, कपड़े गिर गए, मुझसे वो झुका नहीं जा रहा है, ये पकड़ा दे जरा। आती हूँ। मैंने देखा था टीचर आपको बहुत परेशान कर रहा था, मैं आपका बेटा हूँ ना, आप मुझे बेटा बोलते हो ना, माँ जैसे ख्याल भी रखते हो, तो मुझे भी आपका ख्याल रखना है ना, इसे मैंने उसे धक्का मारा बाहर जाने के लिए कहा। पर टीचर एक बात बोलूँ, आप पारो के पापा को बुला लो ना, मेरे डैड सुपर हीरो हैं, पारो के पापा भी सुपर हीरो होंगे ना, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, प्लीज बुला लीजिए ना पारो के पापा को। क्या हुआ बड़ी दादी? कमर में एकदम से दर्द हो गया है। आप इधर बैठिए, मैं एल्बम उठाती हूँ। ठीक है बेटा। ओह सो स्वीट, थैंक यू। दादी मैं आपके लिए जूस लेके आया हूँ। थैंक यू बेटा, मैं बाद में पीती हूँ। और आपको भी थैंक यू, बोल शारफ। वैसे आप ये गेम किसके साथ खेलने जा रहे हो? बिल्कुल चाची के साथ खेलना है ना, मैं जाती हूँ। ओके बेटा। दवाई तो खानी पड़ेगी ना, वरना ठीक कैसे हो गया आप? हाँ ये लो, फटाफट 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 फटाफट। रोहन वेरी गुड। अरे वाह, दवाई खा रहे हो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या है? चलो आंखें बंद करो, अब हाथ आगे करो, अब आंखें खोलो, ये एक फोन है तुम्हारे लिए, अब तुम अपने घर वालों से कभी भी और कितनी भी बातें कर सकते हो। पर मासी इसकी जरूरत क्या थी, मैं टीचर के फोन से बात कर सकता हूँ या आपके फोन से? पर रोहन कभी हम घर ही नहीं हुए तो तुम कैसे बात करोगे, इसलिए तुम्हारे लिए एक नया फोन। लेकिन मुझे ना प्रॉमिस करना पड़ेगा, प्रॉमिस करो कि तुम ये फोन बाहर नहीं लेके जाओगे, एंड नो वीडियोस एंड नो गेम्स। प्रॉमिस कि मैं वीडियोस गेम नहीं खेलूंगा। वेरी नाइस। अब रोहन तुम अपने घर वालों से, अपने पापा से अगर बात करनी हो ना तो यही नंबर से करना। ओके थैंक यू मासी, आप लोग बहुत अच्छे हो। आप भी बहुत अच्छे हो रोहन। चाची चिड़ी ले आ। पारो मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ इसलिए आई हो ना कि तुम्हें डर लग रहा था उस लड़के से जिसे तुमने जेल में भेजा, कहीं वो तुम्हें कुछ कर ना दे? हाँ। तो ये बात पहले सोचनी चाहिए थी ना, पंगा लिया ही क्यों, उसे जेल भेजा ही क्यों? पहले मुझे लगा था वो भैया सुधर जाएंगे, फिर मुझे पता चला उनकी दोस्ती तो गंदे अंकल से है, फिर मुझे डर लगने लगा वो सब लोग मुझे पकड़ ना ले, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कोई और बात तो नहीं है ना, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा
कि इतना बड़ा घर है, महल जैसा घर है, तो रहने को मिल जाएगा। चाची आप बिना कुछ भी सोचती हो, मैं सिर्फ डर के मारे आई हूँ, ठीक है? और ये देखो मैंने आपकी कार उड़ा दी। ये बल्ले 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 बल्ले। ये सच में इतनी मासूम है या फिर दिखावा कर रही है? मीटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए। उनसे कहो मुझसे अभी के अभी आके मिले। मजाक लगा के रखा है। ऋषि भाई वो आया है, ब्लडी गुंडा, सो कॉल्ड जॉनी भाई। वो क्यों आया? क्लियरली फोन पे मना कर दिया था कि आने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं दूंगा उसे मैं। एक बार नहीं, दो तीन बार कहा था। तब भी तो आया है ना ऋषि भाई वो यहाँ तक, क्योंकि आपने उसे ऐसे बोल दिया था। अब मैंने उसे ये बोल दिया कि आप फिलहाल मीटिंग में हो, तो बोलता कि वेट करेगा, वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। हाँ तो वेट करने देना। ऐसे लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी नजरों में इनकी क्या हैसियत होती है। वसूली गुंडा है वो, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। आई हैंडल इट आयुष, डोंट वरी। आई नो ऋषि भाई हम हैंडल कर सकते हैं, पर मेरा कंसर्न ये है कि ये सिचुएशन हैंडल करते वक्त हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, जरा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे यार वो डैड को दम कर रहा था ऋषि भाई, मैंने डैड को भेजा, मैंने बात करी उससे। ऋषि भाई ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है आयुष, कि हफ्ता देने से अगर किसी ने भी मना कर दिया ना तो उनकी दहशत कम हो जाएगी, उनका डर कम हो जाएगा। और कुछ नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, तू फिक्र मत कर। आयुष हम बिजनेस करके मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और हमारी मेहनत की कमाई ऐसे ये गुंडे वसूली लोगों को दे दें, कभी नहीं। तू फिक्र मत कर, तू टेंशन मत ले, मैं बोल रहा हूँ, आई हैंडल इट। ओके ओके। काफ़ी टाइम हो गया, अब तक तो जॉनी का दिमाग ठिकाने लग गया होगा, और उसे ये भी समझ में आ गया होगा कि ऋषि ओबेरॉय बाकियों की तरह नहीं है जो उससे डर जाएगा। उसे अंदर बुलाता हूँ, उससे पहले आयुष को फोन। आयुष तेरे डैड अंकल को मेरे कैबिन में लेकर आओ अभी। जॉनी को अंदर भेजो। बहुत इंतजार करवाया तूने, अब मैं गोली मारने में इंतजार नहीं करूंगा। तू बता, तू मेरे पैसे दे रहा है या फिर नहीं? तेरे पैसे तूने कमाए थे, तुझसे उधार लिया था मैंने, या फिर तेरे बाप दादा यहाँ पे छोड़ के गए थे? बाप दादा तो खुद दुनिया छोड़ गए। तू मुझे देख, मेरी हिस्ट्री मत देख। एक बात समझ ले, जॉनी खुद नहीं कमाता है, जॉनी के लिए ना दूसरे लोग कमाते हैं, तुझ जैसे लोग। जॉनी सिर्फ उनसे अपना हक का पैसा लेता है, मतलब हफ्ता। चल निकाल मेरे पैसे। जॉनी तू इस लायक भी नहीं है कि मैं तुझे भीख भी दूं। तू मेरी ताकत को जानता नहीं है अभी। अच्छी तरह से जानता हूं कि तू क्या चीज है, अपने साथ अपने आदमियों को लेके घूमता है, और मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि तू बचेगा ही नहीं। इससे एक गोली बाहर और सीधा तेरे अंदर। चला गोली मार। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।